लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन लोग कुछ ना कुछ धारणाएं देते रहे हैं, जैसे दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर लंबे समय से बहस चल रही है। कई शाकाहारी लोग अंडे को मांसाहारी समझकर नहीं खाते। उनका लॉजिक होता है कि चूंकि अंडे मुर्गी देती है, इस कारण वो नॉन वेज है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो दूध भी जानवर से ही निकलता है, तो वो शाकाहारी कैसे है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अंडे से बचा निकल सकता था, इस कारण वो मांसाहारी है, तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब उनसे कभी चूजे बाहर नहीं आ सकते। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने भी साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। यह तो हर किसी को पता है कि अंडे के तीन हिस्से होते हैं, छिलका, अंडे की जर्दी और सफेदी। रिसर्च के मुताबिक अंडे की सफेदी में सिर्फ प्रोटीन मौजूद होता है, उसमें जानवर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं होता। ता कारण तकनीकी रूप से एग वाइट शाकाहारी होता है। एग वाइट की ही तरह एग योक में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन, कोलेस्ट्रोल और फैट मौजूद होता है। लेकिन जो अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद दिए जाते हैं, उनमें गैमीट सेल्स मौजूद होता है, जो उसे मांसाहारी बना देता है।